हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्सट्रा गेमिंग। तो आज का हमारा ट्यूटोरियल होने वाला है रॉयल एनफील्ड बुलेट इंस्टॉलेशन पे। तो इसके लिए हमें दो चीज़ की ज़रूरत होंगी हमेशा की तरह, एक तो है ओपन आईवी और दूसरा है GTA 5 की मेन डायरेक्टरी के अंदर मॉड्स का फोल्डर। अगर ओपन आईवी इंस्टॉल है तो वेरी गुड, और अगर इंस्टॉल नहीं है तो ऊपर आई बटन पे आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी। वीडियो देखकर ओपन आईवी को इंस्टॉल कर लीजिए। और दोस्तों, हमेशा की तरह मैं कहता हूँ GTA 5 में कोई भी मॉड करने से पहले गेम की जो मेन डायरेक्टरी है उसका बैकअप ज़रूर ले लें, ताकि फ्यूचर में आपको गेम फिर से इंस्टॉल ना करनी पड़े। अगर आपको नहीं पता बैकअप कैसे लेते हैं तो उसका भी वीडियो ऊपर आपको आई बटन पर मिल जाएगा, और दोनों वीडियो की जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ट्यूटोरियल ऑन हाउ टू इंस्टॉल रॉयल एनफील्ड बुलेट इन GTA 5। तो दोस्तों, हमेशा की तरह ओपन करिए अपना ब्राउज़र। यहाँ पर लिखिए gta5mods.com। mods.com खोलने के बाद आप सर्च टैब में लिखिए रॉयल एनफील्ड। रॉयल एनफील्ड लिखने के बाद आपको ये मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक करिए, इसको ओपन करिए। यहाँ पर आपको डाउनलोड लिंक मिलेगी। लिंक मिलने से पहले हमेशा कोई भी जो डाउनलोड रहता है उसका डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़ लें। यहाँ पर लिखा है, उन लोगों ने इंस्टॉलेशन गाइड दिया है। और एक बात, यहाँ पर ये इंस्टॉलेशन के अंदर कोई भी रीडमी फाइल नहीं है, तो हमें जो ओपन आईवी के अंदर लाइन बनानी है, आइटम वाली लाइन, वो हमें खुद बनानी है। वो कैसे बनानी है यहाँ पर पूरा उन्होंने बताया हुआ है, तो पहले ये पूरा रीड कर ले। यहाँ पर लिखा है, देखिए, एड न्यू लाइन इन ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 मॉड्स update.rpf कॉमन डेटा DLC लिस्ट के अंदर हमें आइटम वाली फाइल बनानी है, और DLC पैक्स के पीछे ये JD बुलेट डालना है। ये कैसे डालना है हम अपने ट्यूटोरियल में देखेंगे, ठीक है। और ये कॉपी JD बुलेट फोल्डर टू इंस्टॉलेशन मॉड्स फोल्डर के अंदर डालना है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। और इसका स्पॉन नॉम होगा JD बुलेट। तो चलिए चलते हैं गेम के अंदर। चलिए मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी फाइल डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ पर रॉयल एनफील्ड बुलेट, इसको मैंने डाउनलोड कर लिया है यहाँ पर, और इसके अंदर ये फाइल है, इसको मैंने एक्सट्रैक्ट भी कर दिया है, और मुझे ये फोल्डर मिल गया है, ठीक है। मैं इसे डिलीट करता हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए अभी। तो जैसे कि मैंने आपको कहा, ये फोल्डर ओपन करते ही अंदर आपको सिर्फ ये JD बुलेट मिलेगा और DLC.rpf मिलेगा। यहाँ पर कोई रीडमी फाइल नहीं है, और हमें जो आइटम वाली लाइन है वो खुद बनानी है। वो कैसे बनानी है मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इसको साइड पे रखते हैं, और यहाँ पर ओपन करते हैं अपना ओपन आईवी। ओपन आईवी ओपन करने के बाद इसको एक साइड पे रख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अभी सबसे पहले आपको काम क्या करना है, ओपन आईवी में आके एडिट मोड को ऑन करना है। तो ऑन करने के बाद आपको जाना है मॉड्स, update.rpf, उसके बाद कॉमन डेटा, और यहाँ पर जो DLC लिस्ट है .xml, उसको राइट क्लिक करके एडिट। एडिट करने के बाद यहाँ पर अपना वही आइटम वाला पूरा XML फाइल खुल जाएगा। खुलने के बाद हमें खुद क्रिएट करनी है फाइल। तो यहाँ पर देखिए, मेरी जो लास्ट वाली फाइल है सबसे नीचे आना है, और यहाँ पर जो लास्ट वाली फाइल है इसको कॉपी करना है। सिंपली इसको कॉपी, आइटम वाली फाइल के पीछे एंटर, यहाँ पर एक क्रिएट टैब करना है, यहाँ पर पेस्ट। तो ये दोनों की दोनों लाइन है वो सेम हो गई। सेम होने के बाद यहाँ पर जो बुगाटी सेंटो DC है उसको मैं रीनेम करके ये जो अपना JD बुलेट है वो नाम दे दूंगा, क्योंकि हमें डिस्क्रिप्शन में यही बोला गया था कि DLC पैक्स के पीछे आपको JD बुलेट का एक आइटम वाली लाइन बनानी है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ JD बुलेट। तो ये मैंने एक आइटम वाली लाइन खुद ही बना ली है JD बुलेट नाम से। दोनों का स्पेलिंग सेम होना चाहिए, JD बुलेट स्मॉल है तो स्मॉल, बिग है तो बिग। यहाँ पर हम सेव करते हैं, फाइल क्लोज और आर्काइव्स, एग्जिट। तो ओपन आईवी का काम हो चुका है। हम ओपन करेंगे अपनी GTA 5 की मेन डायरेक्टरी। तो ये मेन डायरेक्टरी में आ गए, यहाँ पर ये भी साइड पे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हम जाएंगे पहले मॉड्स फोल्डर के अंदर, उसके अंदर अपडेट, X64, DLC पैक्स। अब ये जो बुलेट JD बुलेट वाली फाइल है उसके अंदर है DLC.rpf। तो ये JD बुलेट वाली जो फोल्डर है अपनी, इसको पूरा का पूरा फोल्डर यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करो या फिर कॉपी पेस्ट कर दो। तो आप जैसे देख रहे होंगे यहाँ पर JD बुलेट आ गया है। तो सेकेंड स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया है, और हम लोगों ने JD बुलेट को ऑलरेडी अंदर डाल दिया है।
और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिखा था, ध्यान रखना इसका स्पॉन नेम है जेडी बुलेट। तो चलो अभी गेम में जाके इसको स्पॉन करते हैं और देखते हैं बुलेट कैसी है। तो दोस्तों हम गेम में आ चुके हैं, तो चलिए अभी स्पॉन करते हैं हमारी रॉयल एनफील्ड बुलेट। तो पहले दिखा देता हूँ मैं कैसे स्पॉन करते हैं, घर के बाहर चलते हैं। यहाँ पर आने के बाद मेन जगह है, यहाँ पर सबसे पहले आप मेन्यू को ओपन करिए, F8 को दो बार। सबसे पहले आपको भी पता है गेम ओपन करते तो पहली बार दबाने से लोड होता है और सेकेंड टाइम दबाने से मेन्यू खुलता है। तो ये मेन्यू आ गया, यहाँ पर आप जाइए व्हीकल ऑप्शंस, फिर व्हीकल सेकेंड ऑप्शन है व्हीकल स्पॉनर। यहाँ पर सबसे नीचे आपको इनपुट मॉडल दिखेगा, ये इनपुट मॉडल में जाइए, यहाँ पर लिखिए जेडी बुलेट, JDBULLET बुलेट। ओह देखो देखो दोस्तों, एकदम जबरदस्त बुलेट बनाई है भाई जिसने भी बनाई है। वो ग्रीन कलर की बनाई है, फोटो में तो ब्लैक थी लेकिन यहाँ पर ग्रीन है, लेकिन ठीक है चलेगी यार, अच्छी दिख रही है। चलो इसका फर्स्ट पर्सन व्यू लेते हैं। भाई फ्रैंकलिन भाई उतर नीचे, देखो भाई जबरदस्त बुलेट है, KL मतलब किधर की हो गई है, कुल्लू की हो सकती है भाई, जो भी है एकदम जबरदस्त बनाई है। क्लोजअप में जाके देखते हैं, सीट का कोई टेक्सचर वेक्चर है नहीं, लेकिन बाइक का जो स्ट्रक्चर है वो तो ऑलमोस्ट सेम ही है, बुलेट के जैसा ही है भाई लोग। ये देखो मस्त लाइट के ऊपर ये कैप वैप भी बिठाया है इन लोगों ने, सिग्नल लाइट वाइट सब सेम है। तो ओवरऑल बाइक देखा जाए तो अच्छी बाइक है, अभी देखते हैं बैठ के चलने में कैसी है। भाई इसका मीटर वीटर तो दिखाओ, मीटर वीटर दिख नहीं रहा है दोस्तों, मीटर तो नहीं चल रहा है यार इसका, लगता है मीटर नहीं चल रहा है। ठीक है चलेगा, बुलेट तो चल रही है ना, देखते हैं कैसी है बुलेट। आवाज़ भी अपनी थोड़ी थोड़ी तो बुलेट जैसी है। हैंडलिंग भी अच्छी है भाई, देखिए कैसा बुलेट के जब पर बैठते वैसे ही बैठा ही है। देखो अपना नॉर्मल आदमी जैसे इंडियन आदमी बुलेट के ऊपर बैठते वैसे ही बैठा ही है, मतलब एकदम परफेक्ट काम किया हुआ ये बुलेट पे। खाली इसका लेग का जो पोजीशन है थोड़ा सा ऊपर हो गया है बनाने के टाइम में, लेकिन ठीक है चलेगा। ओवरऑल जो राइड मिल रही है वो अपने को बुलेट की मिल रही है, आवाज़ भी थोड़ा बहुत बुलेट जैसा ही है, हैंडलिंग भी अच्छी है, तो ये बाइक यूज़ कर सकते हैं हम लोग अपने गेम में। तो मैं सोच रहा हूँ अपनी फ्रैंकलिन का जो ग्रीन कलर का जो बाइक है उसे रिप्लेस करके बुलेट में ही ऐड कर दूँ, उसको रिप्लेस करके बुलेट ही बना दूँ, लेकिन अब तक इसकी रिप्लेस फाइल आई हुई नहीं है तो हमें इसे ऐड ऑन ही करना पड़ेगा। लेकिन ठीक है चलो, तब तक ऐड ऑन करके यूज़ करेंगे इसको, हम यूज़ करेंगे अपना कोई ना कोई मिशन में। कैसी लगी ये बुलेट कमेंट करके ज़रूर बताओ। तो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं अपने टेस्टिंग ट्रैक पे, भी यहाँ पर देखते हैं इसकी टॉप स्पीड कितनी है। लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अपनी लैम्बोर्गिनी की टेस्ट स्पीड कितनी थी, लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने देखा था अपनी KTM RC 390 जो है उसकी टॉप स्पीड कितनी थी, ऑलमोस्ट रियल बाइक के जैसी ही थी, मैचिंग ऑलमोस्ट मतलब उतनी थी नियरेस्ट। तो अभी देखते हैं कि रॉयल एनफील्ड का इन लोगों ने क्या सही तरीके से यूज़ किया है या फिर कुछ भी स्पीड दे दी है। तो चलिए शुरू करते हैं और एक बार चेक भी करेंगे विली विली मारते कि नहीं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं भाई फ्रैंकलिन, थोड़ा मस्त बर्नआउट वर्नआउट कर ले पहले, वेरी गुड। अभी चल थोड़ा विली विली मार के दिखा दे भाई। ओ भाई सही है भाई, देखो पूरा लंबा विली खींच के लेके गया भाई। माइकल के साथ रह के भाई ये भी सब सीख गया है भाई। तो चलो देखते हैं टॉप स्पीड, देखते हैं साइड, आप नीचे देख सकते हो राइट हैंड साइड पे 128, 130, 133, 4। ये स्पीड से पता चलेगा हम लोगों ने रॉयल एनफील्ड 350 डाली है या 500 डाली है, ठीक है। 137, 38, मुझे नहीं लगता 150 के ऊपर जाएगी ये 138 लास्ट है। चलो इसको अभी नीचे थोड़ा झुक जाते हैं, देखते हैं स्पीड बढ़ती है कि नहीं। अपनी RC की तो एक बड़ी थी भाई, स्पीड बढ़ाई तो है इसने,
देखते 138, 140, 141, 142, 142 तक गई है भाई, 143 भी खींच लिया इसने, 44 भी खींच लिया है भाई, 45, 46, 47, 48, 49, 149 तक गई है भाई ये तो, ऑलमोस्ट ये समझो ना भाई, ये मुझे लगता है कि यार ये बुलेट 500 है, क्योंकि जो 350 है वो 120, 125, 130 के ऊपर जाती ही नहीं है। तो आई थिंक ये जो बुलेट इन लोगों ने डाली है गेम में वो अपनी है बुलेट 500। तो दोस्तों आप भी इंस्टॉल करिए बुलेट को और इसे चलाइए गेम में, कोई मिशन के लिए वापरना इसको मस्त, मैं तो वापरने वाला हूँ। और ये चलाने के बाद बताओ कैसी लगी आपको, इंस्टॉल करने के बाद बताओ सही लगी या नहीं लगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम में मुझे DM भी कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे सवालों के जवाब मैं दे सकूं। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही मज़ेदार ट्यूटोरियल्स वीडियो के लिए एक्सटेक गेमिंग के सब्सक्राइबर्स आपका सपोर्ट दिखाएं। मैं आपका होस्ट विकी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और घर से बाहर काम के बिना ना निकले, स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।